दिमाग खराब हो गया यार। ये टनल इसलिए बनाई गई थी, इसका भाई छोटे छोटे झरने आते रहे, थोड़ा थोड़ा यार बिल्कुल कश्मीर जैसा ही फील आ रहा है। बाद जो हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम लद्दाख जा रहे हैं झंस्कार से, यानी पदुम वगैरह होते हुए सिंगुला वगैरह। यार पहला वाला ब्लॉग अपलोड कर रहा था, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, क्या बोलूँ भाई आपके बारे में भी। वैसे बर्फ ने पिक तो भाई अपने कैंपिंग वगैरह तो हमने कर ली, अपना सामान वामान लेके अब सिंगुला की तरफ निकल रहे हैं मैं और पोलार्ड। इस बार भाई अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है पोलार्ड, बस ऐसे ही चलता रहे मज़ा आ जाएगा। जैकेट चार्जर सामान देखना है, कुछ भूले तो नहीं। हाँ जी पोलार्ड भाई, भाई सब ले लिया, जैकेट रह गई थी मेरी और ये कम्बल उम्बल को हटा के देख ले कुछ रहना गया हो। भाई ये चीज़ भी ध्यान रखें आप हमेशा, जब भी आप ऐसे घूमने आए एक बार सही से रूम को चेक कर ले कुछ रहना गया हो। देखो पानी की बोतल स्टिक वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो तो देख लेंगे। चल उठा ले फिर इसे, आ जा। सिपर कहाँ था, सिपर ले गया। चलो भाई निकलते हैं। तो भाई अपना सोलांग में जो कैंप था हमने रात को, बहुत मज़े किए, पीछे का नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अपनी गाड़ी के पास चलते हैं और निकलते हैं और आप आगे का व्यू देखते हैं कैसा लगता है, उसके मज़े लेंगे। अब रात का टेम्परेचर भाई इतना कम भी नहीं था और ज़्यादा भी नहीं था। अब गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं, चार ज़्यादा देखते हैं कितना, 4 डिग्री था। और गाड़ी भाई अपनी एक बार में स्टार्ट हो गई, अब इसे थोड़ी देर स्टार्ट रखेंगे और फिर इसे चलाएंगे ताकि गाड़ी यार गर्म हो जाए बढ़िया से। तो गाड़ी भी लगता है अपना पूरा साथ देने वाली है इस टूर पे। यार अटल टनल तक पहुंच गए थे यार सोलांग वैली से, दिमाग ख़राब हो गया यार, हम लैपटॉप भी भूल गए यार अपना यार। अब वो देखो लेता हुआ लेके आ रहा है लैपटॉप, ये देखो लेकर आ रहा है लैपटॉप, यार दिमाग ख़राब हो गया यार। इतने रास्ते से वापसी आ गए हम, शुक्र है भाई वापस मिल तो गया, जल्दी याद आ गया, फिर भी हमें रास्ते से कहीं भूल जाते फिर दिक्कत होती। चलो भाई फिर दोबारा एक घंटा ख़राब हो गया हमारा और कुछ नहीं हुआ। ऐसी 3 या 4 टनल आती है जब सोलांग से शिशु के लिए निकलते हैं, तो ये टनल इसलिए बनाई गई थी, इसका रीज़न ये था कि ऊपर से बहुत लैंडस्लाइडिंग होती है, तो उससे बचने के लिए ऐसी 2-3 टनल बनाई गई है जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो। 2 टनल ऐसी पीछे निकल चुकी है, एक और आ गई, तो ऊपर से जो पत्थर गिरते हैं उनकी वजह से बनाई गई है ताकि गिरे तो किसी को लगे ना कुछ, बस यही रीज़न है इनको बनाने का और कोई रीज़न नहीं। देखो भाई अटल टनल, और मैं अपने इससे पहले वाले ब्लॉग में लद्दाख के सारी डाल चुका हूँ, इसकी वीडियो अब नहीं डालूंगा इतनी, आप आराम से देख लेना वो वीडियो मेरी पूरी। फिलहाल थोड़ी सी इसमें डाल देता हूँ टनल की। ये देखो अटल टनल हमने क्रॉस कर दिया है, देखते हैं उसके बाद का नज़ारा कैसा है। वैसे लग तो नहीं रहा है, खाली लग रहा है, स्नोफॉल वगैरह, मतलब स्नोफॉल नहीं, स्नो मिल नहीं है, मतलब पहाड़ पे जैसा सोचा था नहीं है, जैसी पहाड़ से दिख रही थी हमने सोचा था कि यहाँ भी हमें स्नो मिलेगी पर ऐसा है नहीं, और यहाँ तो बड़ी बढ़िया धूप निकल रखी है। चलो जी बढ़िया है, देख रहे हो प्रोजेक्ट दीपक, वेलकम यू टू चंद्रा ब्रिज। दीपक ताल है यहाँ पर, एक लेक है दीपक ताल, लेक 396 किलोमीटर, कारगिल 450, श्रीनगर 560, रोहतांगला 27, काजा 144, सुमडो 218। यहाँ से निकले हमने, अटल टनल पार कर दिया, शिशु के लिए निकल चुके हैं, मतलब सिंगुला के लिए निकले हम, तो एंट्री करवानी पड़ेगी यहाँ पर, तो अब जा रहे हैं एंट्री करवा कर आते हैं। एंट्री अपनी हो गई है अब तो, अब भाई हम निकले अपनी राइड पे, मज़े आने वाले हैं आगे बहुत ज़्यादा। और एंट्री तो यार देखो बहुत जगह होगी यार, बाकी शिशु में भी धूप है और साइड में बर्फ़ पड़ी है, वो मज़ा नहीं है देखने में, बहुत गंदी सी बर्फ़ लग रही है। अब जब हाई पासिस पे हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे शायद अच्छा कुछ मिले सब कुछ,
तो पोलार्ड भाई अभी भी एंट्री करवा कर आए हैं भाई। यार भूख लग रही थी बहुत तेज यार, कुछ खाने के लिए रोका इधर, कुछ मैगी वगैरह खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। जगह तो है यार, बड़ी सुंदर है यार जगह। देखो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी अपनी जबरदस्त लग रही है भाई। कुछ भी है सभी गाड़ी देख रहे हैं। धन्यवाद हमारे माश भाई का, ये उन्हीं की गाड़ी है, चला हम रहे हैं, अपनी दे आए उनके ले आए। गाड़ी भी चलाना ब्लॉग भी बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नज़ारा तो दिखाना पड़ेगा आपको। इस टाइम हम शिशु से थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ से टांडी पड़ता है करीब 15 किलोमीटर। ये खूबसूरती देखने आते हैं हम यहाँ पर, और इतना पीसफुल प्लेस है ना, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। अगर किसी की आवाज़ यहाँ पर आ रही है तो बस हमारी, सिर्फ हमारी आवाज़ आएगी यहाँ पर, और किसी की भी नहीं आएगी आवाज़। थोड़ा थोड़ा यहाँ बिल्कुल कश्मीर जैसा ही फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल हरा हरा ही हो गया, जैसा कश्मीर में हो जाता है। सामने देखिए अब कितनी हरियाली है, बर्फ़ के पहाड़, हरियाली, शांति। तो कल गाना चल रहा था रात को, मज़े ही मज़े। गाड़ी भी चलाना भाई और फिर सारे नज़ारों के मज़े भी लेना और ब्लॉग भी बनाना, इन सब चीज़ों में मज़ा तो बहुत आता है यार। लेकिन बस ये है, थोड़ा ध्यान से अपनी ड्राइविंग करें किसी भी तरीके से। लोग कैमरे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी सामने ऐसा है, पासिंग करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है, तो इस चक्कर में गाड़ी ही पे ज़्यादा मेरा ध्यान है। और यार मैंने फिर ना माइक नहीं लगा रखा यार, पता नहीं फिर आवाज़ ख़राब ना हो जाए यार, वही सोच रहा हूँ बस मैं। अपना प्रोग्राम भाई रुक रुक के जाने का है, और यार रुक रुक के इसलिए क्योंकि ना यार एक साइड में ना लेग्स में यार और पीछे कमर में यार बहुत दर्द हो रहा है यार, क्योंकि बहुत ऊँची गाड़ी है, ऊँचाई पर बैठा हूँ मैंने यार, पहली बार गाड़ी ये चलाई है। वैसे मैंने हमेशा गियर सेल्टोस में सारे सफ़र करे हैं अपने, लद्दाख भी उससे ही किया है मैंने, तो अभी यार दर्द भी हो रहा है। फिर बाहर का ना नज़ारा ही बड़ा सुंदर था यार, नज़ारा देखो बाहर का, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यार क्या खूबसूरती है यार, ये ऐसा है ना, जितना भी ऊपर से स्नो है उसको धूप पड़ रही है, और धूप की वजह से वो पिघल रही है, जिसकी वजह से सारा पानी नीचे आ रहा है, और पानी भाई बहुत तेज आ रहा है ऊपर धूप पड़ने। भाई गाड़ी के हम टायरों की एक बार चेक करवा लें, अगर वो शिंकुला की तरफ जाना है तो बर्फ़ के हिसाब से ही हवा डालना टायर में, ज़्यादा ना रहे। लगभग ये है ना, ये तीन टायर पंचर नहीं होगा, ये उस साइड को होना सकता है, चेक करो आप सारे, चेक कर लो एक बार, इसमें भी सब में ठीक है, बाकी हवा बाकी ये निकाल के नाइट्रोजन डालनी है सारी निकाल के, ठीक है करो फिर आप। अब तबीयत ठीक है भाई तेरी? तेरा भाई ब्लॉग बना रहा है अभी, चेक करो इसमें पंचर तो नहीं है। यहाँ दुकान ही नहीं मिल रही थी कोई, बड़ी मुश्किल से मिली आपकी दुकान भी, आगे दिक्कत ना हो यार। शिंकुला पे तो बहुत बर्फ होगी ना अभी, बहुत बर्फ है, जाने देंगे? रास्ता रुका हो तो नहीं हुआ अभी? नहीं, रास्ता बारला चावला छोड़ रखा है आज से, वहाँ से छोड़ रखा है, एक साइड से है वो, ये टायर को से पकड़ दे होगा, खोल के देखो, खोल के देखना पड़ेगा। देखो यार पहला वाला ब्लॉग अपलोड कर रहा था, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई यार, चलो कोई नहीं बाद में डालूंगा भाई, अब क्या कर सकते हैं, पहला ब्लॉग लेट हो जाएगा थोड़ा। इन पहाड़ों को देख के थोड़ा थोड़ा यार स्पीति याद आ गया, स्पीति के पहाड़ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या अंतर है, उस डर उसमें लगता है, इसमें डर नहीं लगता, लेकिन वहाँ लैंड स्लाइडिंग सिर्फ बरसात में होती है, और यहाँ के जैसे पत्थर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही पड़े हैं, मिट्टी है उनके साथ, तो अगर बारिश हल्की सी भी ना तो ये तो 100% गिरने ही गिरने हैं, छोटे छोटे पत्थर, और कई छोटे छोटे पत्थर ऐसे होते हैं जो भाई बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेकर आते हैं। तो भाई पहाड़ों के बारे में बात कर रहा था, स्पीति और लद्दाख के जो रास्ते के जो पहाड़ है, जैसे ये भी शिंकुला से पहले गए ही किलो हमने पार किया है, जिस पर 14 किलोमीटर है,
तो ये पहाड़ तो कुछ अलग है, वो कुछ अलग है, और भाई यही यही स्वर्ग है और यही नरक है। स्वर्ग जब तक है जब तक आप यहाँ पे अच्छी तरह घूम रहे हो, बढ़िया तरीके से घूम रहे हो। अगर आप उल्टी सीधी गाड़ी चला रहे हो, सब कुछ गलत कर रहे हो, यहाँ कूड़ा करकट सब कर रहे हो, तो भाई ये नरक है फिर आपके लिए। और अगर आप तमीज़ से बिल्कुल मज़े से अपना इंजॉय अच्छी तरह कर रहे हो, आपके चक्कर में परेशान नहीं हो रहा है, तो स्वर्ग है ये आपके लिए। और देख सकते हो ये नज़ारे बाहर के कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं भाई। ये यार रोड ऐसा है यार, अभी तो ऑफ रोडिंग नहीं है, बिल्कुल प्लेन रोड है, बड़ा प्यारा रोड है, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम लद्दाख जा रहे हैं झंस्कार से, यानी पदुम वगैरह होते हुए, सिंकुला वगैरह होते हुए, बारा लाचला से हम नहीं जा रहे हैं। और जो झंस्कार वाला रास्ता है वो पूरा ऑफ रोडिंग है, वहाँ पे कई लोग जाते नहीं इसी चक्कर में, तो शायद वहाँ पे हमें बहुत कम कुछ देखने को मिले। बाकी वहाँ का जो व्यू होगा यार बड़ा ख़तरनाक होगा। अभी तो हम शिमकुला पहुँचेंगे और शिमकुला पहुँच कर रोक कर गाड़ी, कुछ अपने लिए खाना बनाएंगे खुद से, तो अपने पास दाल चावल है, फिर दोबारा दाल चावल ही बनाएंगे, रोटी खरीद लेंगे कहीं से और खा के वहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, मज़े लेंगे थोड़ा, फिर देखेंगे कैंपिंग कैंप कहाँ पर करें, वहाँ अपना कैंप लगाएंगे। शिमकुला में कैंप हम इसलिए नहीं लगाएंगे, वहाँ पर ठंड यार बहुत है यार, और रात को फिर यार वहाँ पर अगर स्नोफॉल हो गई तो फंसने का डर है, तो इसलिए वहाँ पर हम कैंप नहीं लगाएंगे। बाकी अगर जगह लगी हमें आके बढ़िया जगह है शिमकुला में हम अपना कैंप लगाएं, तो फिर वहीं कैंप लगाएंगे। और यार वो तो जगह ही ज़बरदस्त है यार, शिमकुला पास टॉप, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है इस टाइम भी। और वहाँ पहुँच कर अब भाई जिस पर हमें गाड़ी रुकी है, यहाँ कुछ खाएंगे यार, और खाने के बाद फिर चलेंगे यार, भूख लग रही है बहुत तेज़ भाई, खाया नहीं यार हमने यार कुछ भी। जिस पर यार सही ठंडा है यार, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है यार ये तो, रोड देखो भाई कितने प्यारे हैं। दिल तो यार यही बोलता है इस जगह पर घर लूँ और यहीं रहूँ, वो मुमकिन नहीं यार हमारे लिए, काम भी करना है यार, दो बच्चे हैं उनको भी पालना है भाई, तो नहीं है इतना आसान सब कुछ। वो देखो भाई लेक वहाँ से जा रही है, ज़ूम करता हूँ, नज़ारे भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं यार यहाँ के, यार रोड भी इतना प्यारा है यार ये। हाँ बाइक बड़ी तेज चल रही है भाई, अब क्या बोलू जिसपा के बारे में, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया भाई, ज़्यादा तो नहीं बोला, ठीक ही बोला है। बाकी आगे का दिखाएंगे, उसमें भी देखते हैं क्या खास है, ये बढ़ता रहेगी खूबसूरती इसकी, बढ़ती रहेगी कम नहीं होगी यार, इसीलिए पहाड़ों पर घूम। और यहाँ का व्यू देखो तकड़ा ही है भाई, हिसाब किताब इसका तो। ये देखो भाई ये दारचा का चेक पोस्ट है, अब यहाँ पे हमारी एंट्री वगैरह होगी, और यहाँ से एंट्री होने के बाद हमें फिर आगे जाने देंगे, क्योंकि भाई ऐसा है जब भी वहाँ पर कोई दिक्कत होती है, कुछ होता है, रोड क्लोज होगा, कुछ होगा, ये बताएंगे उस चीज़ के बारे में। ये देखो भाई नाला, नाला भी क्रॉस हो गया भाई, और ऐसे कई नाले आने वाले हैं इस झंस्कार वाले रास्ते पे जो शिमकुला पदुम होते हुए जाएगा, और रास्ते पर कहीं की जगह पूरा रोड ही गायब है यार, अभी मैंने देखा पूरा रोड ही गायब है रास्तों में कई जगह। तो बी आर ओ के यार भाई कई बोर्ड लगे रहते हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग, तो इन्हें पढ़ते हुए जाए आप, इससे भी बंदे को बहुत चीज़ें समझ में आती है, बहुत सारी कहावतें लिख रखी है, नो रेस नो रैली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वैली, ये देखो कितना प्यारा लिखा हुआ था। ये यार रास्ते में बहुत जगह आ रही है यार,
ये देखो शिंकू का रास्ता कितना रह गया है, इनकी भाषा समझते हैं, हे कर रहा है और ये हट रही है, हे ऐसी कर रहा है वो और ये हट रही है, हे करने से हट जाती है, आप भी हटानी हो इन्हें, हे करो ये हट जाएगी, हाय लो टॉफी दे यार, बोलो टॉफी दे, टॉफी हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, ये ले टॉफी खा, यही है हमारे पास, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है यार, देख चल बाद में मिलते हैं, उतरेगा जाने दे यार, जाने दे, ठीक है चलो। तो यार ऐसे बच्चे मिलते रहे, उनको कुछ खाने का देते रहे यार, और पैसे ना दे उन्हें, टॉफी थी यार मैं भूल गया था यार, हर बार रख लेता हूँ कुछ ना कुछ और भूल गया यार, चलो कोई बात नहीं, भूल गया क्या हो गया, अभी ले लेंगे रास्ते से। ये देखो भाई हेलीपैड, और यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा दी है बिल्कुल चारों तरफ, देखो इसकी, हेलीपैड बना हुआ है शिंकुला, बस यहाँ से करीब 18 या 19 रह गया है। देखो भाई अपनी गाड़ी क्या लग रही है यार, गाड़ी थार। ये देखो भाई हेलीपैड पे अपनी गाड़ी लगी हुई है, ये देखो, क्या क्या जगह है यार, हेलीपैड इतना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो मेरे पीछे, ये बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ये देखो, इसी नज़ारे के लिए आए हैं हम, ये सारे नज़ारे देखते रहे, और कहीं जा नहीं सकते इसके पास जितना यहाँ आ सकते हैं, कहीं और बंदा कहाँ जा पाता है, और अभी तो बिल्कुल ऊपर जाना है, देखो वो जा रहा रास्ता, वहीं से ऊपर चलेंगे पूरा, चलो यार चलते हैं, लेट ना हो जाए यार। ये रास्ता भाई बहुत प्यारा है, और ये नया रास्ता है, ये शिंकुला से होते हुए झंस्कार वगैरह होते हुए लद्दाख जा रहा है, ये रास्ता इसी साल खुला है, और भाई ये जो सीधे ब्लाइंड कर्व है बिल्कुल, और रास्ते की भाई क्या खास बात है इसमें, ये सीधा लद्दाख ही पहुंचाएगा हमें, और ये रास्ते के नज़ारे देखते हुए हम जाएंगे, देखो पहाड़ सामने कैसे बिल्कुल बर्फ़ धीरे 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 हमारे पास ही आती जा रही है, ये देखो ये मेल्ट नहीं हुई बर्फ़, कितनी गंदी हो चुकी है, लेकिन पूरा ग्लेशियर सा बना हुआ है गंदा, लेकिन ऊपर जा रहे जहाँ तक शायद वहाँ अच्छी बर्फ़ मिलेगी। ये देखो भाई कितने हाई पासेस आएंगे यहाँ से, झंस्कार भी आएगा यहीं से, और भाई रास्ते में ना भी बहुत काम चल रहा है इसमें, क्योंकि ये रास्ता कई जगह से टूटा हुआ है, पहले यहाँ से खाली हम शिंकुला तक जा सकते थे, उससे आगे नहीं था रास्ता, अब ये पदुम नया रास्ता बना है, मुझे तो नाम भी नहीं पता रास्तों के, लेकिन यार भाई अभी सब बताता रहूँगा बस, जैसे जैसे हमको पता लगता रहेगा हम भी आपको बताते रहेंगे। सामने ऐसा लग रहा है फ्रेश स्नो, जो फ्रेश ही लग रही है, वो गंदी नहीं है किसी भी तरीके से, तो वही सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। और भाई देखो मेन तो मैं देखने आया हूँ खुद यार, जो आंखों से देख पाते हैं वो सामने से मज़ा नहीं आता यार। निकालो भाई निकालो निकालो जल्दी निकालो यार, भाई बड़ी मुश्किल हो रही है उनको गाड़ी निकालने में, तो दो गाड़ियां सोने आई।
भी ढंग से बनाने को बोला भाई। यार कौन हिल रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ। बड़ा खतरनाक है। मैं बड़ी मछली तो मंगाई है भाई, आगे और भी खराब है। देखो भाई ये शिमकुला के रास्ते, अब यहाँ से देखो भाई बर्फ ही बर्फ चालू हो चुकी है अपनी। जबरदस्त व्यू आ चुका है और भाई बाहर बहुत ठंडा है यार, लेकिन अभी जितनी बर्फ थी वो सब मेल्ट हो गई है यार, बहुत कम रह गई है बर्फ, पहले अच्छी नहीं रही बर्फ।